हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम आधा कटोरी मैदा ले लेंगे, उसको एक बर्तन में डाल लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, आधा चम्मच उसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, चुटकी के नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा हमने ईस्ट बनाकर रखा था, होममेड ईस्ट, वो डाल देंगे। इसको बनाने की मैं रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही इसका भी डो बना लेंगे हम। डो मैंने बना लिया है। अब हम एक टाइट डब्बे में इसको रख देंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे नीचे, और फिर इस आटे को इसमें रखकर ढक्कन अच्छे से बंद कर 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर हम इससे पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। देखिए गाइस, 1 घंटे के बाद हमारा ये मैदा कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल हमने लगा लिया है, कुछ इस तरह से बन गया है हमारा आटा। अब हम इसका एक बना लेंगे पेड़ा, और फिर इसको हम बेलेंगे रोटी की तरह। इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। डो हमने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन ले लेंगे कोई, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा लिया है। अब इस पे थोड़ा सा आटा डाल देंगे, अब इस ढक्कन पर मैंने ये डो रख दिया है। अब इस डो में हम शेक निकाल लेंगे किसी भी चीज़ से, चाकू से, या कोई आपके पास फोग है तो आप उससे शेक लगा सकते हैं। ये शेक लगा लिए हैं हमने। क्या करेंगे, दूसरी तरफ मैंने तवे को गैस पर रख दिया है और थोड़ा गर्म कर लिया है। इस पे हम ये ढक्कन रख देंगे, ढक्कन को एक प्लेट से ढक देंगे। अब हम 10-15 मिनट के लिए इसको बेक होने देंगे स्लो गैस पर, तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा डो 15 से 20 मिनट तक हो चुके हैं। अब हम देखेंगे उठाकर, देखिए बेस बन चुका है। देखिए बेस हमारा बनकर तैयार है। अब हम इस पर सबसे पहले लगाएंगे टमाटो सॉस। अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पर सॉस लगाएंगे, अच्छे से सॉस लगा देंगे। ये सॉस मैंने लगा दिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी कैप्सिकम डाल देंगे, ये मैंने काट कर रख ली थी ब्रिक ब्रिक।
थोड़े से प्याज डाल देंगे, बारीक बारीक काटे थे ये भी मैंने। अब हम इस पर थोड़े से पनीर के टुकड़े डाल देंगे, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी, ब्लैक पेपर डाल देंगे, आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, आप थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे ऊपर से। अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। अब ऊपर से हम चीज़ डालेंगे, अगर आपके पास ग्राइंड करने वाली चीज़ है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास चीज़ स्लाइस थी वो ही मैं डाल रही हूँ। तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसको ओवन में 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब हम ऐसे ही प्लेट को माइक्रोवेव में रख देंगे और 1 मिनट के लिए इसको बेक कर देंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ी सी सॉस ऊपर से डाल देंगे, देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। कितना यमी लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये पिज़्ज़ा, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।